दोस्तों आज हम करने वाले फैन द वैल्यू ऑफ द फॉलिंग्स। हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है, लेकिन कैसे निकले, हमें फ्रैक्शन में 3/5 डिवाइडेड बाई 1/2 है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा 3/5 डिवाइडेड बाई 1/2, इन फ्रैक्शनों का डिवाइड कैसा होगा, तो हम डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए 3/5 है। अब ये जो डिवाइड का साइन है, अगर मुझे इसको इनटू मल्टीप्लाई में करना है तो ये क्या हो जाता है, 2/1 हो जाता है। जो हमारे पीछे वाला डिजिट है वो क्या हो जाता है, फोकल हो जाता है, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे। ठीक है, अब आप इसको आराम से कर सकते हैं, 2 3 अब मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ, 2 3 6 और 5 1 5। आप इतना भी कर सकते हो, अगर कोई कट रहा तो काट सकते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे पास ये है 2 2/2 डिवाइड बाई 3। पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, इस मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, और ये प्लस 2 2 4 और 1 5, और ये 2 नीचे 2। देखो इन दोनों को 2 2 4 ये मैंने मल्टीप्लाई किए, और ये वाला प्लस, अगर इनका जो आंसर आएगा वो उससे प्लस, तो ये 5 हो गए, और ये 2 2 का नीचे, और ये डिवाइडेड बाई 3/5। अब फिर इसको सॉल्व करने के लिए 5/2 मल्टीप्लाई साइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला इसको 5 और ये 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा कितना होता, 5 5 जा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ऐसे हमारे पास ये है 5, मैंने कहा इन दोनों को देखो 5 1/6 डिवाइडेड बाई 7/2, इसको सिंपल फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में, इसको सिंपल में इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 5 करते हैं, और प्लस किसको करते हैं, 1 को करते हैं, इस वाले को 1, तो 5 6 30 हो रहा, 1 31, तो हम इसको लिखते हैं 31/6, 6 नीचे वैसे लिखा जाता है, डिवाइडेड बाई 7/2। ठीक है, अब ये 36/6 तो ऐसे रहेगा, लेकिन ये मल्टीप्लाई साइन होगा तो ये उल्टा हो जाएगा ये। अब चाहे आप तो काट भी सकते हैं यहाँ से यहाँ, 2 3 6 हो जाता है, ये 2 1 2 और 2, तो 31 1 31 हो जाएगा, और 3 7 20 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो थैंक यू।